दोस्तों, तो आज मैं लेके आया हूँ एक रिएक्शन वीडियो आपके लिए विनय दुबे जी का। आज विनय दुबे जी ने अंधभक्तों को इतना जबरदस्त धोया धोया है कि अंधभक्तों की गांड इसे देख के फूल जाएगी और सूझ अलग से जाएगी। तो चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरवी। इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनय दुबे। मालूम चला है कि विनय दुबे ने पूरा हॉल को जो है वो बुक कर लिया और 4D में तो अपने दोस्तों को और खुद भी फिल्म देखने जा रहे हैं। पूरा जो टिकट हॉल जो है उसको बुक करने का क्या मतलब? मेरा ऐसा ही है, बहुत ज्यादा पैसे है मेरे पास। जो दिहाड़ियों के पास पैसे नहीं होते तो उसमें उनकी गलती है, कमाए जाके। विनय दुबे के पास है पूरा थिएटर बुक करके, तो पूछा है पैसे जला दो, मेरी मर्जी। मतलब ये बस विनय दुबे क्या दिखाना चाहते हैं कि मुसलमानों से अगर सबसे ज्यादा प्रेम कोई करता है तो विनय दुबे ही करता है? नहीं, यहाँ देश से जो सबसे ज्यादा प्रेम करता है वो दिखाना है। आज पठान में जिस तरह से शाहरुख खान ने एक सैनिक की भूमिका निभाई कि वो देश के लिए किस तरह से लड़ सकता है, किस सीमा तक सही जा बात सकता है, अगर उसका समर्थन करना अगर आपको लगता है दिखावा है, तो ये दिखावा मैं रोज करूंगा। सही सही और राइट जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो देश के साथ गद्दार के साथ खड़े थे। वो देश की रक्षा के लिए लड़ रहा था, उसके खिलाफ लड़ने वाले देशद्रोही के साथ खड़े नहीं, हर थे। जगह विनय दुबे का पैर पड़ना जरूरी होता है क्या? मुझे ये जहां अंधभक्त अपनी गांड रगड़ेंगे वहां विनय दुबे पैर मारेंगे। आप गांड रगड़ना नहीं, इस तरह से सवाल का जवाब ये अपेक्षा नहीं, सीधा सीधा देखिए, मैं एकदम बहुत बहुत मेरा भाषा मेरा लैंग्वेज यही है। जहां ये अपनी गांड देंगे वहां विनय दुबे लात मारेगा, ये नहीं देंगे विनय दुबे चुप रहेगा। फिल्म तो हिट हो ही रही है, जिसमें आप क्यों बीच में एक नया मिर्च मसाला मार रहे हैं? मैं नहीं देखूं पिक्चर, आप तो बताओ। पूरी हॉल बुक करने का क्या मतलब? मेरा मर्जी भाई साहब, आप भी तो आपको लेके चलना है मेरे को। अब आपके साथ पूरे हॉल में आप बैठोगे मेरे साथ पिक्चर देखने? चलो, मैं देख चुका पिक्चर, मैं गरीब छोटे मुझे छोटे मिर्च मसाला नहीं लगाना है फिल्म में। सर ठीक, फिल्म एंटरटेनमेंट का है, उसको एंटरटेनमेंट तक महदूद रखिए ना आप। मैं रख रहा हूँ उसको, मेरा मुझे दिल्ली आके देखने का मन हुआ, थिएटर में पिक्चर ही देखेंगे ना, वहाँ कुछ तो मैं हिंदू मुसलमान कर नहीं रहा हूँ। चुपचाप जाके बैठूंगा अपना 3 घंटे 2 घंटे मूवी एंजॉय करूंगा, आके सो जाऊं। कश्मीर फाइल आती है तब विनय दुबे क्यों नहीं पूरा थिएटर बुक करते हैं? मैं यूट्यूब पे देख लिया ना, जैसे ये लोग अंधभक्तों ने यूट्यूब पे देखने का वेट कर रहे हैं, ये क्या कह रहे थे कि हम थिएटर नहीं जाएंगे? कश्मीर फाइल के समय में विनय दुबे ने पूरी पिक्चर क्यों बुक नहीं किया और पूरा हॉल आपने क्यों बुक किया? अंधभक्तों का क्या कहना था कि हमें हमारा पैसा, हम देखे चाहे ना देखे, मेरा पैसा मैं थिएटर जाके देखू ना देखू। कश्मीर फाइल आपने क्यों नहीं देखा, सवाल यूट्यूब पे देखूंगा मैंने। अच्छा, कश्मीर फाइल यूट्यूब पे देखेंगे, जो हिंदुओं की आंसू को दिखाया, और पठान आप देखेंगे जो कि जिसका देश से मतलब नहीं, लोग कह रहे हैं। भाई साहब यही अंधभक्त का क्या कहना है, हम पठान यूट्यूब पे देखेंगे। मैं कश्मीर फाइल यूट्यूब पे देखा, आप पठान यूट्यूब पे देख लो, हिसाब बराबर, क्या दिक्कत है? नहीं, आपकी लड़ाई क्या, हमें समझ में नहीं आ रहा। दोनों डायरेक्टर है, दोनों फिल्म इंटरटेनमेंट पर्पज से बनती है, आप इसको कहते हैं यूट्यूब पे देखेंगे, उसको कहते हैं ऐसे। देखिए, दिल्ली में एक राजीव चौक है, उसके पास एक पालिका बाजार है, वहाँ कुछ सुअर टाइप के लोग आते हैं, मुंह से संडास करते हैं, उनका टारगेट केवल मुसलमान होता है। कश्मीर फाइल में किसको गालियां दी गई? अरे, शाहरुख खान का विरोध करना मुसलमान का विरोध करना नहीं होता, आप इस चीज को समझिए। भी समझाना चाह रहा हूँ, आपकी रील्स बनती है, आप इतने गाली गलौज करते हैं, आप साधु संतों को गाली देते हैं, क्यों ऐसा काम करते हैं? कौन साधु संत को गाली दिया मैंने सर? अच्छा, वही साधु संत जहाँ आप जाके आए अभी अभी अयोध्या, आपका वीडियो देखा, बहुत चमकदार था। अब वो नहीं समझ में, शब्दों में मर्यादा रखिए आप, मैं माफी चाहूंगा मेरे शब्दों को, लेकिन उसको नहीं समझ में आया उस चमन चूती को कि जिस मुसलमान के खिलाफ वो लड़ रहा है, जिसे जिहादी कहता है, जिसे गंदे गंदे शब्द कर रहा है, वही पीआरबी के दानिश भाई के साथ में बगड़ होके खड़े होके वो बोल रहा है कि दानिश हमारा भाई है, इसके पीआरबी चैनल को सब्सक्राइब करो। इतना बड़ा दोगला, इतना बड़ा दोगला मेरे तो बगल में, आपकी तरह रील्स बना के गाली गलौज तो नहीं करते ना महाराज को? भाई साहब, अब मत करिए, वो आपका तरीका, मेरा तरीका यही है। वो ऐसे ही समझ में आता तो ऐसे ही समझाएंगे, जो भाषा वो समझेंगे उनको समझाएंगे। वो जब खड़े होकर राजीव चौक पे कहते हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे, तब आपका खून नहीं खोलता, तब विनय दुबे आता और उनकी गांड फाड़ के रख देता है, तब आप नहीं कहते कि आप क्यों ऐसा कह रहे हो। लोग काटने मारने की बात करें, तभी तो मैंने ईमानदारी से बात की। आप हमें ये बताइए कि इस्लाम परस्त इतना क्यों है विनय दुबे? सवाल यही आता बार बार, आपके पोस्ट भी आते हैं, मक्के मदीने का फोटो लगा रहेगा विनय दुबे का पोस्ट देखना, मक्के मदीने का फोटो लगा रहा है। ये राम मंदिर की फोटो लगाओ ना आप, 24 को 1 जनवरी को उद्घाटन कर रहे हैं मोदी जी। बिल्कुल लगाएंगे सर। मुझे एक बात बताइए, इस्लाम में ऐसा कौन सा इंसान है जो जनेऊ पहनता है? ये देख लीजिए, जनेऊ रुद्राक्ष है, ये रही जनेऊ। अरे जनेऊ तो राहुल गांधी भी पहनते हैं। बड़ी बात, हाँ तो पहन, राहुल गांधी को भी दिखाने की जरूरत है, आपको भी दिखाने की जरूरत है। मैं वही बोल रहा हूँ, जो पहनता वो दिखाता नहीं है, दिखाते क्यों? मेरा धर्म कहता है, सनातन जो मैं पढ़ा हूँ बचपन से, मेरा धर्म ये कहता है कि दूसरे धर्मों का सम्मान और अपने धर्म का अभिमान। सही बात, मेरा धर्म यही नहीं, कभी नहीं कहता कि दूसरा धर्म को काटो पीटो, उसको नीचा दिखाओ, तभी मेरा सनातन। आप लोग जो है अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे, लेकिन जय श्री राम में कतराएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? लगाएंगे आप अल्लाह अकबर के नारे क्यों नहीं लगाएंगे? मुझे एक कारण बता दीजिए कि नहीं लगाना है। अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे क्यों नहीं लगाएंगे?
पठान देखेंगे, अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे, जय श्री राम के नारे भी लगाएंगे, अल्लाह अकबर के भी नारे लगाएंगे, नारे तकबीर के भी नारे लगेंगे, वाहे गुरु के भी नारे लगेंगे, साईं बाबा के भी नारे लगेंगे, महादेव के भी नारे लगेंगे, किसको रोकेंगे आप? सारे लगेंगे नारे, मेरा मर्जी, मुझे जो नारा देना है मैं दूंगा, मैं एक नारा दूंगा हिंदुस्तान जिंदाबाद, आप बोल दो, इसमें आपको आपत्ति है? इस्लाम से या मुसलमानों से प्रेम कहाँ से आता है विनय दुबे को इतना? सर ये हिंदुस्तान के हवा हवा में कहाँ कहाँ जाके अभी से बांटोगे? हाँ से हिंदुस्तान अपना पूरा जो है भारत का तिरंगा जो है वो ऊपर केसरिया हमारा सनातन धर्म, नीचे हरा हमारे मुसलमान भाइयों को, बीच में शांति का प्रतीक जोड़ के रखता है आपस में, कहाँ बांटोगे आप इसको? कोई नहीं बांट रहा, शाहरुख खान की फिल्म उठा के आप देखे 400 करोड़ कमा लिया, सिर्फ मुसलमानों ने देखा। गलत बात है, 429 करोड़ कमा लिया, आप इसे करे करिए इंटर 429 करोड़ और जुड़ गया, जुड़ जाएगा तो सिर्फ मुसलमानों ने देखा, सिर्फ मुसलमानों ने देखा, मेरा उसमें देखा, मेरा उसमें। आप ऐसा क्यों बनाते हैं कि मुसलमानों का विरोध हो रहा है या मुसलमान? मैं मुस्लिम हूँ, मैं जा रहा हूँ देखने, मैं मुस्लिम हूँ, थिएटर के बाहर चले जाइए आपको, अरे वो छोड़िए ना, आप ही थे ना अयोध्या में जाके साधु संतों को दिखा दिया, उनका नुन्नी किसी ने चेक किया कि मुसलमान है कि इस्लाम है कि क्या है? आप ही लेके गए थे अपने पैसे से, काहे टिकट दिखाया वो संतों को आप ले जाके? मैं तो ये चाहता हूँ अगर फिल्म देखो, फिल्म में अगर कुछ करना था तो विरोध करो, लोगों को साधु संतों का अयोध्या में जाके उनको पिक्चर दिखा दो तो सब सही है। आप हिंदुस्तान, मैं खुद पर्सनली अगर मुंबई से दिल्ली आकर पिक्चर देखना चाहूँ तो गलत कैसे मेरे भाई? नहीं, आप उसमें राजनीति करते हैं, आप पूरा थिएटर बुक करते हैं, दानिश होकर, पीआरबी चैनल के दानिश होकर आप अयोध्या के साधु संतों को ले जाएंगे, वो आपका मोहब्बत मतलब होता है ना, आपसी एकता सौहार्द, और मैं अगर खुद पर्सनली एक मूवी देख लूं तो फिर मैं हिंदू विरोधी और सनातनी विरोधी हो गया कैसे? वो साधु संत नहीं, वो मतलब वो इस्लाम के परस्त, इस्लाम पर ब्राह्मण है और आप अल्लाह होकर के नारे लगाएंगे तो आपत्ति तो कुछ लोगों की होगी, आपके धर्म पे भी सवाल उठेगा कि आप जो है ब्राह्मण है। राजनाथ सिंह का एक इंटरव्यू है 2 दिन पहले का, एक मौलवी साहब का, उन्होंने पैर पढ़ने की बात बताई, जिस मौलवी साहब को उन्होंने पढ़ाया, जिसने उन्हें ये जो मंत्री हुए तो जाके पैर पढ़े, क्यों पढ़े मौलवी का पैर अगर इतना ही सनातन धर्म, मतलब इनके नेता पैर पढ़ ले जाके अल्लाह अकबर बोल ले सब सही है, जायज है, विनय दुबे बोल देगा तो देशद्रोही गद्दार भाई, दोगलापन मत करिए ना ऐसा, या तो एक नियम बना दीजिए कि नरेंद्र मोदी भी अल्लाह अकबर कहे चादर भेजे थे अजमेर शरीफ, जब इतना ही तुम्हारा सनातन उबाल मार रहा था, मैं अजमेर चला जाऊं तो मुझे गालियां देंगे, इन्हीं का प्रधानमंत्री और स्मृति ईरानी वहां पे चादर भेजे, अभी उर्स के अंदर अजमेर दरगाह में चादर भेजी गई, तब किसी ने कुछ नहीं बोला, उनका भाई ईद मतलब प्रधानमंत्री ईद की मुबारकबाद दे दे तो बहुत बढ़िया, हमारा देश का मतलब सबका साथ सबका विकास, और विनय दुबे ईद का मुबारकबाद देंगे तो सनातनी नहीं हिंदू नहीं, ये क्या बात है? अच्छा बायकॉट जो लोग कर रहे थे उसका असर हुआ कुछ? हाँ बहुत बढ़िया असर हुआ सर, 429 करोड़ हो गया और मुझे लग रहा है कि 12-1 बजते बजते 500 करोड़। पंचर पुत्र देख रहे हैं फिल्म? हाँ, इनका बाप भी गया था ना देखने के लिए, अनुराग ठाकुर भी देखा, इनकी बहन पंचर की दुकान थी कंगना रानावत की, शटर डाउन करके कहीं और पंचर बनाने थिएटर में गई थी, कंगना रानावत का क्या बयान आया था 2 दिन पहले कि पिक्चर अच्छी है इसे सबको देखना चाहिए, क्यों भाई पंचर पुत्री हो तुम, इतना खुला विरोध करने के बाद आपने समर्थन कर दिया, अगर ये कंगना रानौत बोल सकती कि पिक्चर अच्छी है देखनी चाहिए तो विनय दुबे जा रहा है, विनय दुबे खुद को सनातनी कहता है, कट्टर सनातनी कहता है, तो फिर साधु संतों की अपील को क्यों नहीं मानता है? अरे साधु संत खुद पिक्चर जाके देख रहे हैं, उनकी अपील को कैसे नहीं मानो, अभी अयोध्या का मैं वीडियो देखा आपका पीआरबी का, आप थिएटर में ले जाके उनको पिक्चर दिखा रहे हो, अब साधु संत देख सकते हैं विनय दुबे नहीं देख सकते, वो तो ये देख रहे हैं ना कि विरोध इसमें कहां पे विरोध करना है, कौन सा कट लगना है, मैं भी वही देखने जा रहा हूं कि वो चड्डी का कलर बदला कि नहीं बदला, चड्डी का कलर देखने के लिए मैं इकलौता, भगवा से प्रेम है कि नहीं आपको? एकदम प्रेम है, काहे प्रेम नहीं होगा, मुझे जनेऊ पहनते हैं और भगवा से कोई प्रेम आपको? मुझे भगवा से प्रेम है, मुझे हरा से प्रेम है, मुझे पीले से प्रेम है, मुझे लाल से प्रेम है, मुझे सबसे प्रेम है, सतरंगी देश है मेरा भाई साहब हिंदुस्तान है, कोई मजाक नहीं है, यहाँ पे सभी का खून यहाँ पे आजादी की लड़ाई में गिरा, तब नहीं देखा गया था कि हरा खून है, पठान पे इतनी वीडियो बना दिए, कश्मीर फाइल पे एक भी बनाए थे आप? बहुत बनाए थे, विरोध में बनाए थे ना आप? हाँ विरोध में बनाए, विरोध में गलत चीज, हिंदुओं की आंसू आपको दिखता नहीं है, मुसलमानों का आपका ईद बकरी सब दिख जाता है, भैया 1000 करोड़ हमने विरोध किया तभी ना जाके 1000 करोड़ पहुंचा, इनकी औकात थी 1000 करोड़ पहुंचाने की कश्मीर फाइल को, हम जैसे लोगों ने खुल के विरोध किया तब कहीं जाके 1000 करोड़, मेरा भाई है विवेक अग्निहोत्री ब्राह्मण है, 1000 करोड़ उसके घर पहुंचाना था मुझे, विरोध करा 1000 करोड़ पहुंचा, कितना कश्मीर पंडितों को दे दिया यार उसने, एक फूटी कौड़ी तो फेंका नहीं कश्मीर में जाके, सारा का सारा खुद आजमे करके सिंगापुर में वाइफ के साथ ऐश किया ना, मेरा भाई था हंस महाराज जी का मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि पूरा बॉलीवुड जो है वो बाबा के कदमों में गिर गया, भगवा के कदमों में गिर गया, इसलिए बाबा जो है वो माफ कर दिया और फिल्म हिट हो रहा है पठान। चार कुत्तों के दरबारी करने से ना जंगल का बादशाह नहीं बदला जाता, चार कुत्तों को लेके आप बादशाह दरबारी कर लोगे, सोचोगे मैं राजा हो गया, ऐसा नहीं होता है,
जो भी चीजें हैं, परमहंस कितना बड़ा संत है और कितने बड़े वो बाबा हैं जगत बुद्ध गुरु जी। कहते हैं हाँ वो बस वो लंडूर गुरु हैं वहीं के। हाँ वो उनको जगत संत समाज ने कितना जगत गुरु मानता है हमें पूरा अच्छी तरीके से पता है। ज्यादा सम्मान मत कराइए, नहीं तो कल को से लोग बोलेंगे कि भाई साहब आपने इनको तो नंगा कर दिया। काफी आक्रोशित दिखे जगत गुरु महाराज। होगा है ना, बवासीर का मरीज है बेचारा, तो उसको तो हर चीज में मिर्ची लग जाती है तुरंत ही। जहाँ मुसलमान देखा बिलबिलाने लगता है। पता नहीं आपको क्यों इतना चुम्मा देके भेज दिया मेरे को समझ के बाहर। नहीं मुझे तो चुम्मा नहीं दिया, लेकिन आपको क्या उनसे लगाव है कि आपकी शॉर्ट्स अक्सर देखते हैं, आप उनको टिकट कटाने की बात करें। वो तो कह रहे थे कि हम शाहरुख खान के घर हमारे आदमी गए थे, शाहरुख खान कलकत्ता चले गए, ममता बनर्जी घर में छुप गए। उनके बाप की, उनके बाप के पूरे खानदान की औकात नहीं है मन्नत के दरवाजे पे खड़े होकर शाहरुख खान जोर से चिल्ला दे। इतने लट चलेंगे ना वहां पे कि सूझ के पिछवाड़ा जो है तरबूज हो जाना है। इनकी औकात है, मैं बोल रहा हूँ आज भी अपने बात पे खड़ा हूँ, 320 रुपया मैं देता हूँ, बाकी का ये लगा कि स्लीपर का टिकट निकाल के देख लें और मुंबई आ जाएं। उनके आदमी गए थे मन्नत के पास। यार इनके पास चार आदमी अयोध्या में नहीं है, खुद का ट्राइपॉड खुद लगाता है आदमी, हम नहीं जानते क्या जानकारी है आपने भाई। पापा देखेंगे वीडियो, सोचे कि हम बता रहे हैं आपको। भाई मैं बता रहा हूँ इस आदमी महाराज जी, हमने इनको कुछ भी नहीं बताया है। ये आदमी जो है आपके खिलाफ वीडियो बनाते हैं, और मैं आक्रोशित भी हूँ कि एक महाराज जो भी बयान उलझ जुलूर शायद रहता होगा, आपत्ति होगी आपको, लेकिन शब्दों में आपकी मर्यादा होना चाहिए। जब आप बाबा को लेकर वीडियो बनाए, अगली बार से प्रभंस महाराज जी को लेकर जब भी वीडियो आप बनाए तो थोड़ी शब्दों में मर्यादा रखे, और बाबा से भी कहेंगे कि थोड़ी मर्यादा में आप भी बोला करें। कर सकता हूँ उसको, ये कर सकता हूँ भाई। बाबा होगा आपका, मेरे लिए बाबा नहीं हो, मेरे लिए वो खाट का बाल है, ठीक है। उसके अंदर वहां पे जैसे उसने चार लड़के मन्नत भेजे थे ना, मैंने भी 20 आदमी बाबा के आसपास रखे हुए हैं। वो कहाँ हगता है, कहाँ क्या करता है सारा। महाराज जी से मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने इंटरव्यू लिया और इस तरह की हरकत ये कर रहे हैं, तो वो आदमी उसी के लायक है यार। अच्छा हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं दिया, काहे नहीं जन्म समाधि लिया उस आदमी ने। वो कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय से आदेश आ गया था। अबे यार ऐसे राज्यसभा में बहुमत नहीं है, अभी रुक जाइए। ऐसे ऐसे लोगों को अगर राज्यसभा और गृह मंत्री का मैसेज आने लगे ना, हमने देखा ताजमहल के बारे ही नहीं के ऊपर लटपट रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार में। योगी जी ने आदेश किया कि ताजमहल पे अगर ये बवाल करेगा इसका पीछा सुझा दो। पिछवाड़ा सुझाया गया, भगाया गया। महाराज जी कह रहे हैं कि अब हम आंदोलन में बैठ रहे हैं, 24 नवंबर 2024 को बैठेंगे कि मुसलमानों की यहाँ से वोटिंग की राइट खत्म करो। हमने देख लिया पठान में शाहरुख का इन्होंने खाल निकोल के उनको जला दिया, वो भी देखा हमने। हिंदू राष्ट्र बनते हुए इनको शपथ लेते हुए देखा हमने। ताजमहल को तेजो महल बनते हुए इनको देखा। ऐसे ही एक एक और बग गुब्बारा ये फुला रहे हैं कि 24 में हम बैठेंगे। कौन लेता है यार इसको सीरियस। आप जैसे लोग जाके अगर इंटरव्यू करेंगे तो इनके भाव बढ़ेंगे। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे नमूनों का इंटरव्यू नहीं किया जाता, ऐसे लोगों को ना बगल में रख दिया जाता है। तो लग रहा था अगर वो महाराज जी हमें इंटरव्यू दिए तो बड़ी बात है, हमें तो लग रहा था। हाँ तो वही उसी का दोगलापन मैं देखना चाहता था, और आप गए, इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ कि पूरे देश ने उसका दोगलापन देखा कि जिस मुसलमान और इस्लाम को लेकर दिन भर पानी पी पी के वो आदमी गाली देता है, उसी दानिश अंसारी के लिए भाई साहब वो वहां पर सब्सक्राइब करिए पीआरबी को बोल रहा है पूरा बाकायदा। मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई कर रहा था, तो ये दोगलापन है। महाराज जी का बड़प्पन है, उन्होंने ऐसा कहा और समय भी दिया इंटरव्यू के लिए। ऐसा बड़प्पन मेरे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। आपका पूरा थिएटर बुक है और समय भी हो रहा है, तो आप निकलिए फिल्म देखने के लिए। आप बहुत भी चल रहे हैं, आप चलेंगे और आप बताइए लोगों को कि वहां पे मूवी कैसी लगी। चलिए बातचीत के लिए बहुत बहुत। कलर भगवा था या नहीं था, सेंसर बोर्ड ने बोला काटा है, मैं वही देखने जा रहा हूँ कि भगवा का कलर एक्चुअल में काटा है। आप देख चुके हैं पीछे, हे भगवान, मतलब सेंसर बोर्ड ने नरेंद्र मोदी ने हमारे सनातनी भाइयों को चूतिया काट दिया या बेवकूफ बना दिया उनको। मतलब सेंसर बोर्ड बोले हमने 12 जगह काट पीट किया लेकिन बिकनी का कलर नहीं काटा, क्या मतलब है इसका। अरे वही तो आप देखने जा रहे हैं, आपको मजा आता है, आप मजा ले रहे हैं भगवान। प्रधानमंत्री भारत सरकार और सेंसर बोर्ड अगर हमारे देश के लोगों को खासतौर पे सनातियों का बेवकूफ बना सकता है तो विनय दुबे तो बहुत छोटा इंसान है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो दोस्तों देखा आपने, ये पीआरबी चैनल के दानिश अंसारी से जो विनय दुबे का इंटरव्यू लेने पहुंचे, और विनय दुबे ने इस चैनल के माध्यम से अंधभक्तों को ऐसा धोया है कि कई साल तक उनके गाँव की सूचना नहीं जाएगी। तो चलिए फिर का मैं आज की वीडियो यहीं पे यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी अगले रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे ही रिएक्शन वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। जय हिंद, जय भारत।